हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ समोसे की रेसिपी। और ये मैं यहाँ पर कैप्सिकम और अनियन, स्प्रिंग अनियन वगैरह मैं पहले से ही फ्रीज़र में उसको स्टोर करके रखी थी। तो ये पूरा बर्फ़ बना हुआ है। और यहाँ पर चिकन जो है बॉईल करने के लिए मैंने रख दी। चिकन में मैंने बॉईल करने के टाइम पे डाली थी नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल लेकर उसको गरम करी। उसके बाद में इसमें मैंने ऐड कर दी अनियन एंड हरी मिर्च, दोनों को भी मैंने ऐड कर दी यहाँ पर। और ये है कैप्सिकम। कैप्सिकम मैंने पहले ही फ्रीज़र में जो है ना इस तरीके से छोटे छोटे से काट कर है ना फ्रीज़र में रख दी थी। तो अभी मैं निकाल कर उसको डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। और मैं यहाँ पर टैंग भी बना रही हूँ साथ में। ये जो इफ्तारी का वक्त होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही घाई का होता है। तो इसके लिए इसमें ना सारी चीज़ें फटाफट फटाफट करनी पड़ती है। तो वीडियो भी मैंने फटाफट ऐसे ही निकाल ली थी आप लोगों को बताने के लिए। अभी मैंने अनियन जो है थोड़ा सा लाल हो गया था, तो उसके बाद में यहाँ पर मैंने स्प्रिंग ऑनियन जो है ऐड कर दी। ये मैं आपको फिलिंग बता रही हूँ समोसे की। और यहाँ पर ये कैरेट है, वो भी मैंने ग्रेट करके फ्रीज़र में ही रखी थी। आप देख सकते हो उसमें बर्फ़ सा बना हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। इसको मैंने बाहर निकाल कर रखी पहले ही, थोड़ी देर पहले ही बाहर निकाल कर रख दी थी। अब ये गर्म होगा ना फ्रेंड्स, तो वो ऑटोमेटिकली सब अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। इफ्तारी के टाइम पे जो ये जो रेसिपी वगैरह बनती है ना फ्रेंड्स, वो टाइम पे वीडियो शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी मैं जैसे तैसे शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो चिकन मैंने बॉईल करने रखी थी उसका भी मैं ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लूँगी। उसके चिकन बॉईल करने के टाइम पे ना मैंने डाली थी अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड टर्मरिक और सॉल्ट वगैरह मैंने डालकर उसमें उसको बॉईल कर दी। और इसके बाद में इसको मैं छोटे छोटे से पीस इसके मैं कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से कर लेना है। वहाँ पर कढ़ाई में मेरा वो भी चालू था जो मैंने स्प्रिंग अनियन वगैरह कैप्सिकम वगैरह डाल के उसको मैंने रखी थी, वो भी सब मेरा वहाँ पर साइड में वो भी हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से कैरेट वगैरह मैंने डाल दी। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो ऐड करी थोड़ा सा। उसको अच्छे से उसको पकने देंगे, उसका जो कच्चापन है वो निकलने देंगे पहले अच्छे से। इसको अच्छे से मतलब पकाएंगे, क्योंकि नहीं तो उसमें जो स्मेल है ना वो रह जाती है अच्छे से अगर नहीं पकाओगे आप लोग तो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने ऐड की अभी, वन टीस्पून नहीं मतलब हाफ टी स्पून मैंने यूज़ की गरम मसाला। इसमें ज़्यादा जो है मसाले वगैरह नहीं पड़ते हैं समोसा बनाने के लिए। और ये यहाँ पर चिकन मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके उसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये आप लोग है ना ज़्यादा बनाकर भी स्टोर करके रख सकते हो। जब जब आपको समोसा बनाना होगा वो टाइम पे आप लोग इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हो। ये मैंने चिकन जो है ना डालकर उसको 5 मिनट तक कुक की, वो मुझे उसका शूट करने के लिए नहीं मिला। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये इफ्तार का जो टाइम होता है ना वो बहुत ही घाई घाई का होता है, तो इसके लिए मुझे फटाफट शूटिंग भी करना पड़ रहा था। ये मैंने समोसे की पट्टी ले ली और समोसे की पट्टी को मैं अभी इसको ऐसा फिल करके बताती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से मैंने इसमें फिल की।
पिछली वीडियो में मैंने आपको ये जो चिकन का जो मतलब ये जो मैंने स्टफ बना कर रखी हूँ ना, अभी बना रही थी ना, पिछले वीडियो मैंने आपको बताई थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी ये कैसे बनाई मैंने सैंडविच बनाई थी पिछले वीडियो में मैंने ये मतलब ऐसे ही मैं ये बना कर रख लेती हूँ फ्रिज में, तो यही यूज़ कर लेती हूँ सैंडविच में भी और अभी मैं समोसे में भी यही यूज़ कर रही हूँ। और दूसरे भी मतलब आइटम्स मुझे बनाने थे तो मैं पहला वो पूरा बना रही हूँ। ये मैं यहाँ पर आलू के भजिए बना रही थी तो मैं पहले सोची कि ये बना लूँ फिर उसके बाद मैं समोसा फ्राई करूँगी। इस तरीके से मैं आलू के भजिए भी बना रही हूँ। ये रेसिपी जो है ना फ्रेंड्स मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कभी, अभी मैं फ़िलहाल पूरा समोसे का ही बता रही थी, समोसा फिल करने तक आपको मैंने बता दी। अब ये जैसे हो जाएगा ना फिर उसके बाद मैं उसको फ्राई करके भी बता दूंगी मैं आपको। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है आप लोग। ये मैं अभी समोसा भी फ्राई करने के लिए खड़ी हो गई। ये देखिए इस तरीके से पूरा मैंने फिल कर ली समोसे को और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अभी। बहुत ही टेस्टी बना था हमारा समोसा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा घर पर एक बार। और कैसे आप लोगों से कैसे बना ज़रूर मुझे बताइए। देखो फ्रेंड्स इतने सारे भजिए मुझे बनाना है, अभी मैं समोसा बनाकर फिर मिर्ची के भजिए भी बनाऊंगी। ये हो गया मेरा समोसा बन चुका है। इसको अच्छे से थोड़ा सा लाल होने के लिए दूंगी, ज़्यादा भी मैं इसको लाल नहीं करूंगी क्योंकि ये ज़्यादा जब लाल हो जाता है ना तो मतलब नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा लाल मतलब ब्राउन जैसा करूंगी मैं इसको थोड़ा हल्का सा। आप लोग भी ज़रूर घर पर इसको ट्राई करिए एक बार, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। ये मैं देखो इतना ही इसको ब्राउन करूँगी और मैं ये निकाल लेती हूँ फिर उसके बाद में इस तरीके से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में फैमिली में इस रेसिपी को, वो लोग भी इंजॉय करें इस रेसिपी को। तो ये देखो फ्रेंड्स ये समोसे मेरे बन चुके हैं। आज मैंने समोसे के साथ साथ आलू का भजिया भी बनाई थी। रोज़ा खोल के तो वैसे हमारा हो चुका है लेकिन रोज़ा खोलने के टाइम पे ये वीडियो बनाने का मौका मिला नहीं था। कैसा है मैं पूछूं तो सही अपने बच्चों को, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को खिलाकर आप लोगों के सामने पूछने वाली हूँ कि कैसे बना है ये समोसे। शाविस टेस्ट करके बता रहा है कैसा बना। शाविस दानियल दानियल के लिए चिन्नू समोसा बनाई मैंने, देखो चिन्नू समोसा, चिन्नू समोसा खा के बता दानियल कैसे बना, कैसे बना दानियाल। हाँ इत्ता अत्ता बोलता है वो। ये देखो नेहान कर क्या रहा है, क्या कर रहा है नेहान, तू तो खा के बता कैसा बना। फेवरेट है समोसे, हर दस्तरखान की शान होता है रोज़ा खुलने के टाइम पे। क्या बोली, सही बोली ना मैंने नेहान शावेस, है ना। समोसा नहीं रहता तो मज़ा नहीं आता ना तुम लोग को। बर्गर रहता तो, बर्गर रहता तो और मज़ा आता है ना। बर्गर वो खत्म होता ना। क्या वो क्या बन, कल बनाएंगे बन है मेरे पास, ले लेंगे बन। कल अपन क्या बनाएंगे, बर्गर। चलो बाय करो सब लोग, करो वापस बाय। इतना ज़ोर से बोला बाय, जब वीडियो इसके ऊपर घुमाई तो फिर चुप हो गया। बाय। क्या पी रहा दानियाल, क्या पी रहा, जूस पी रहा। जूस को क्या बोला इसने, बूस ऐसा बूस। चलो बाय।